Subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. It's free, you know. कहते हैं कि अगर आपको नींद में सपने आए तो इसका मतलब है कि आप बहुत गहरी नींद में हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको अपने सपनों की वजह से नींद ना आए? मेरा नाम प्रणव जोशी है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मेरा ऑफिस अंबेडकर नगर के पास है। मैं अहमदाबाद से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। मुझे शहर का भीड़ भाड़ वाला एरिया पसंद नहीं है, इसलिए मैंने शहर से कुछ दूर घर लिया। सुबह शाम आधा आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। बात करीब 8 महीने पहले की है। रात का वक्त था, मैं ऑफिस से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने मुंह में छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं तो दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीजें छूती तक नहीं है। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वह बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी रिवर्स में पीछे भागती कार के पीछे भागने लगी। डर के मावड़े मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वह बड़ी हुई बकरी ने एक औरत का रूप ले लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी तरफ साफ नजर आ रहा था कि अब मौत मेरे बहुत करीब है। फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत जोड़ी और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सेलेरेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। यह मेरा जान बचाने के लिए एक लास्ट कोशिश था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वह धड़ाम से हवा में उछली और मेरे पीछे आगे गिरी। मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाते भागने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार के मिरर में देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी और मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज निकलनी भी बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वह चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं नजर घुमाकर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह से सदमे में था। सीधा सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना सर शरीर से अलग कर दिया और मुझे देने लगी और विकराल आवाजों में बोली कि ये ले, इसे संभाल के रख, मैं इसे लेने वापस जरूर आऊंगी। अब मैं तकरीबन खुद को मारा ही मान चुका था और मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वह मेरे पीछे आ रही थी कि नहीं, यह देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। एक आध किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों का आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ अगर मैं किसी से घर पर कहता तो शायद वो मेरे पे हंस देते। मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरियों की बलि देती थी और जादू टोने किया करती थी। लोगों को जब यह पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब से वह चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर भटक रही है। उस दिन से हर रात वो चुड़ैल मेरे सपनों में आती है और मुझसे कहती है कि मेरे सर को संभाल कर रख, मैं इसे लेने वापस जरूर आऊंगी। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ वह सपना मुझे बार बार परेशान करता है। मैं किसी भी रात ठीक से सो नहीं पाता,
बस इसी खौफ में रहता हूँ कि कब मुझे उस भयानक चुड़ैल का सामना फिर से करना पड़ जाएगा जिसने मुझे अपना सर संभाल कर रखने के लिए कहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो दबा के लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी हॉरर स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए मी साइनिंग ऑफ, और हमारे दूसरे वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें।